हेलो स्टूडेंट्स, हम रैकरिंग सीरीज में स्केल रैकरिंग सीरीज क्या होती है, स्केल ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये डिस्कस कर रहे थे। उसी में आज हम और किस तरीके से रैकरिंग सीरीज के लिए स्केल ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। उसमें ये प्रॉब्लम है, 1 square + 2 square + 3 square + so and so on up to n square। और प्रॉब्लम है, शो दैट द फॉलोइंग सीरीज इज रैकरिंग सीरीज एंड फाइंड इट्स स्केल ऑफ रिलेशन। तो हमें ये शो भी करना है कि ये रैकरिंग सीरीज है और फिर इसका स्केल ऑफ रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। तो ये शो करने के लिए कि ये रैकरिंग सीरीज है, हमें क्या करना होगा, हमें ये बताना होगा कि एक टर्म को हम बाकी की टर्म्स के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो n टर्म है वो n स्क्वायर है और n माइनस वन टर्म n माइनस वन स्क्वायर है। नाउ फाइंड un - un - 1। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस माइनस वन, ठीक है। और इसके सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आ जाएगा टू एन माइनस वन। तो यहां हम स्पेस के लिए इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, इट इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके हमने लिख लिया ना, इसको मैं यहां लिख देती हूं 2n - 1। नाउ इसके अंदर n आ रहा है, हमें जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ n चाहिए, इसलिए हम un - 1 un - 2 फाइंड आउट करते हैं। तो यहां ये टर्म हमारे पास आ जाएगी n माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एन माइनस टू का होल स्क्वायर, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस टू एन, कितना जाएगा भाई, 4n। ये टर्म आएगी और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये टर्म हमारे पास अगेन आ जाएगी 2n - 3, ठीक है। ये यहां से कैंसिल होगा, ये सिंप्लीफिकेशन हमें माइनस 3 देगा और ये प्लस का 2n देगा, तो ये टर्म हमारे पास आ गई 2n - 3, ओके। अब यदि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, लाइक दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड लाइक दिस इज इक्वेशन सेकंड, ये कैसे आया ये हमें समझ में आ रहा है। हमने इन्हीं टर्म से यहां पर un - 2 बराबर हो जाएगा n - 2 का होल स्क्वायर। नाउ फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, फर्स्ट माइनस सेकंड इंप्लाइज, जैसे ही हम करेंगे ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा un - 2 un - 1 + un - 2 = ये माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा 2t। पर अभी भी यहां पे जीरो नहीं आ रहा, हमने स्केल ऑफ रिलेशन में देखा था कि यहां पर जीरो आना चाहिए, केवल टर्म्स होनी चाहिए, उनके इक्वल टू नहीं आना चाहिए, तो ये 2 भी अभी हमें प्रॉब्लम दे रहा है। इसलिए हम यहां पर जैसे ये हमारे पास आया है 1 - 2 से, तो क्या करते हैं हम फाइंड आउट करते हैं un - 2 - un - 3। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख करके देखें, ये हो जाएगा n - 2 का होल स्क्वायर माइनस n - 3 का होल स्क्वायर, तो ये हमें दे देगा n² - 4n + 4 - n² - 6n + 9। खोलेंगे जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n² से n² कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 6n, ये माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n और ये माइनस का 9, ये प्लस का, तो ये -5।
तो ये हमारे पास हो जाएगा 2n माइनस 5। तो यहां पर हमने देखा कि फर्स्ट माइनस सेकेंड तो हमें ये इंप्लाई कर रहा है, और जब हम फाइंड आउट करेंगे लाइक दिस इज द इक्वेशन थर्ड, नाउ सेकेंड माइनस थर्ड, हम इसमें कोई सी भी दो इक्वेशंस ले सकते थे, फर्स्ट माइनस हमने सेकेंड की थी, पर हम सेकेंड माइनस थर्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी होती है उसका कोफिशियंट 1 आना चाहिए, इसलिए हम इसको इस तरीके से कर देते हैं, सेकेंड माइनस थर्ड करेंगे, जब सेकेंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब इनको हटा देते हैं हम साइन को, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा यू एन माइनस 1 माइनस 2 यू एन माइनस 2 प्लस यू एन माइनस 3 इक्वल्स टू 2। नाउ दिस इज द इक्वेशन 4 एंड दिस वन इज द 5th इक्वेशन, ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है, पर दोनों में ही इक्वेशंस में यहां से हमें स्केल ऑफ ये प्रूफ नहीं हो रहा कि ये रेकरिंग सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में जीरो नहीं आ रहा था, इसलिए हमने सेकेंड माइनस 3 भी निकाला। अब हम ऐसा कर देते हैं 4 माइनस 5, तो जब हम 4 माइनस 5 निकालते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तब हमारे पास आ जाता है यू एल, यहाँ पे माइनस 2 में ही है माइनस, और ये भी इसमें ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस 3 यू एन माइनस 1, ठीक है, यू एन माइनस 1 और यू एन माइनस 2 यहाँ प्लस का है, ये भी प्लस का हो गया, तो ये प्लस का हो गया, प्लस का 3 यू एन माइनस 2 और फिर माइनस यू एन माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम यहां पे देखते हैं कि n माइनस 3, n माइनस 2, n माइनस 1 और n, ये जो सारी की सारी टर्म्स हैं, इनका एक हमें रिलेशन मिल गया और राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है, और इसको हम लिख सकते हैं यू एन इक्वल्स टू 3 यू एन माइनस 1 माइनस 3 यू एन माइनस 2 प्लस यू एन माइनस 3, यानी कि nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमें यू एन माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यू एन माइनस 2 को माइनस 3 से, और यू एन माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। तो nth टर्म को विदाउट एनी कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट आ रहा था इसको हमने एलिमिनेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द दीज टू इक्वेशंस। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस तरह से हम nth टर्म को कंसिक्वेंटली n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 टर्म्स की कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमने लिख लिया, इसलिए जब आप हम आंसर लिखेंगे तब लिखेंगे देयरफॉर दिस सीरीज इज अ रेकरिंग सीरीज, इसलिए ये आवर्ती श्रेणी है कि इसमें अगले पद पिछले पदों के रूप में किन्हीं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाता है, उसमें हमें कोई भी एडिशनल कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये रेकरिंग सीरीज है। समझ में आ गया, इस प्रॉब्लम में हमें प्रूव करना था कि शो दैट दिस सीरीज इज अ रेकरिंग सीरीज, तो यहाँ हमने ये शो कर दिया कि ये एक रेकरिंग सीरीज है, क्योंकि इसमें हमने इस टर्म को इन टर्म्स के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है। नाउ स्केल ऑफ रिलेशन हमें लिखना है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं देयरफॉर दिस सीरीज इज अ रेकरिंग सीरीज, और हमें अब स्केल ऑफ रिलेशन लिखना है, तो स्केल ऑफ रिलेशन हो जाएगा माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब। क्यों हो गया, यहाँ पे हमें केवल x को 1 रखना पड़ेगा और हमें ये कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, ये इसका स्केल ऑफ रिलेशन हो जाएगा। तो ये तरीका होता है इस कॉम्बिनेटरी इसको फाइंड आउट करने का, प्रूव करने का। तो यहाँ हमने ये प्रॉब्लम सिर्फ इसीलिए ली थी क्योंकि यहाँ पर हमें ये दिख रहा था
अब यहाँ पे हमें मान लो, या मान लो ये जो n प्लस वन टर्म लिखनी है, तो यू एन प्लस वन, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं आप कि n स्क्वायर बराबर होगा 3n माइनस वन, यू एन माइनस वन कितना है स्क्वायर, माइनस 3n माइनस टू होल स्क्वायर प्लस n माइनस 3 स्क्वायर। आप इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, इट इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। इसी तरीके से हम एस एन प्लस वन टर्म भी लिख सकते हैं, यू एन प्लस वन इज 3un माइनस 3un माइनस वन प्लस un माइनस टू। तो एन प्लस वन टर्म मान लो ये 10 होता, तो जो 10वीं टर्म है हमने 9वीं 8वीं और 7वीं की फॉर्म में लिखी है, और 11वीं हमने 10वीं 9वीं और 8वीं की फॉर्म में लिखी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये एक रेकरिंग सीरीज है। तो रेकरिंग सीरीज प्रूफ करने के लिए सब जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके भी ये फाइंड आउट कर लें कि ये जो कॉन्स्टेंट है ये भी ना आए, राइट हैंड साइड में जीरो आ जाए और इनके कोफिशियंट्स कॉन्स्टेंट हो, तो हम आसानी से इनको निकाल सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसी तरह की एक जो सिमिलर प्रॉब्लम है वो है जबकि हम इन टर्म्स को ले लें क्यूब्स में, क्यूब ले। नाउ इट इज द प्रॉब्लम कि प्रूव दैट दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रेकरिंग सीरीज एंड देन फाइंड द स्केल ऑफ रिलेशन। तो ये अगेन इसको प्रूफ करने के लिए जो तरीका है हमने जैसे लिया था वैसे ही हमें प्रूफ करना पड़ेगा, और हमें ये देखना पड़ेगा कि लास्ट में टर्म ना आए। इसमें भी हम वही लेंगे यू एन माइनस यू एन माइनस वन, और जब हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा एन क्यू माइनस एन वन माइनस वन क्यू, और ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, मैं लिख देती हूँ डायरेक्टली, 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। और इसी तरीके से यू एन माइनस 1 माइनस यू एन माइनस 2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7, क्योंकि यहां तीन टर्म है, पिछली बार हमने देखा था दो टर्म है, हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अभी ये टर्म बच जाएगी n की। और पिछली वाली प्रॉब्लम में हमने ये देखा था कि जब n की टर्म थी तो हमें तीन टर्म्स लिखनी पड़ी थी, इसलिए हमें यहाँ पे और स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे, n माइनस टू माइनस यू एन माइनस 3, और ये हमारे पास आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 15n प्लस 19, और एक टर्म और लिखनी पड़ेगी। ये आपको समझ में आ ही रहा है कि हमें इतनी क्यों लिखनी पड़ रही है, पिछली प्रॉब्लम की हेल्प से हमें कह सकते हैं 3n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 37। सिंपली हमें इन स्क्वायर क्यूब्स को खोल करके सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल होके हमारे पास n में आ जाएगी। इन दोनों में से भी हम जब सॉल्व करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाके हमारे पास n में आ जाएगी। उन दोनों इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से जो इक्वेशन हमारे पास आएगी और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से जो इक्वेशन आएगी, देखो हम करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा यू एन माइनस टू यू एन माइनस वन माइनस यू एन माइनस टू दिस इक्वल्स टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 में से 3 6 एन और माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6, और इन दोनों से हमारे पास आ जाएगा यू एन माइनस 2 माइनस 2 यू एन माइनस 3 प्लस यू एन माइनस 4 इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट किया 21 में से 15 या 6n माइनस 37 में से गया तो ये हमारे पास बच जाएगा 17 में से 9 या 8, ये हमारे पास बच जाएगा 18, क्यों 17 में से
हम इन दोनों से सॉल्व करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास अभी राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो उस कॉन्स्टेंट को रिमूव करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इन दोनों इक्वेशन से यू एन माइनस वन माइनस टू यू एन माइनस टू प्लस यू एन माइनस थ्री इक्वल्स टू, इन दोनों से हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6n माइनस और यहां बच जाएगा 12। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और इन दोनों इक्वेशन को लेंगे तो भी 6 आ जाएगा, और वो 6 और 6 अगेन हम अब क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास दोनों के पास 6 आ जाएंगे और वो राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा, और फिर हमारे पास इन चारों में एक इक्वेशन आ जाएगी, वो ये प्रूफ करेगी कि ये सीरीज एक रेकरिंग सीरीज है, और उस रेकरिंग सीरीज का स्केल ऑफ रिलेशन हम लिख सकते हैं। देखो जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों से हमारे पास आ जाएगा यू एन माइनस थ्री यू एन माइनस वन, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस थ्री यू एन माइनस टू माइनस यू एन माइनस थ्री इक्वल्स टू 6, और इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्शन से ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का ये माइनस का ये प्लस का, तो ये हमारे पास आ जाएगा यू एन माइनस वन माइनस थ्री यू एन माइनस टू माइनस, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यू एन माइनस वन थ्री, यहां पे कितना आ जाएगा माइनस का थ्री यू एन माइनस थ्री माइनस यू एन माइनस फोर इक्वल टू 6। नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट, देन वी गेट हियर 0, एंड दिस इज द इक्वेशन विच प्रूव्स अस कि दिस सीरीज इज अ रेकरिंग सीरीज, एंड साइमल्टेनियसली वी कैन राइट द स्केल ऑफ रिलेशन। हेंस वी फाइंड द वे हाउ टू फाइंड reference scale of relation and how we prove this series is a recurring series। अब हम ये हम find out क्यों कर रहे हैं, recurring series prove करने से हमें क्या मिलेगा, क्या problem आसान हो जाएगी, और scale of relation find out करने से हम किस तरीके से problem को solve करते हैं, इसका application part हम next lecture में discuss करेंगे। Thank you।